बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एलाइट स्कूल अब्दुल अजीज़ कैंपस से खुश आमदीद। मेरा नाम अरूज है, मैं उर्दू की टीचर हूँ। आज हम नंबर शुमार 1, 2, 3 पढ़ेंगे, जिसका अनवान आओ पढ़ना सीखे, हम्द और नात हैं। शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 1, हरूफ तहजी लिखें, हर हर्फ के साथ उसकी आदि अशकाल भी बनाएं। यहाँ पर हरूफ तहजी की मुकम्मल और आदि अशकाल लिखनी है और बहुत खुशखात अंदाज में लिखनी है। सफ़ा नंबर 2 पर चलते हैं। हरूफ आपस में मिलकर लफ्ज बनाते हैं, आओ हर्फ मिलाएं। यहाँ आपने हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाने हैं, जैसा कि यहाँ पर सफ़ा पर आपको नज़र भी आ रहे हैं। बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा, रे अलिफ रा, गाफ अलिफ गा, जीम वाओ जो, स्वाद वाओ सो, क्याफ वाओ को, सीन वाओ सो। यहाँ हमने तमाम हर्फ अलिफ से बनाए हैं। यहाँ हर्फ वाओ से हमने तमाम लफ्ज़ बनाए हैं और यहाँ पर हर्फ के साथ छोटी ए को मिलाकर लफ्ज़ बनाए हैं। फे छोटी ए फी, दाल छोटी ए दी, क्या छोटी ए की, जीम छोटी ए जी। और अब यहाँ बाकी हरूफ को बड़ी ए के साथ मिलाकर हमने लफ्ज़ बनाने हैं। नून बड़ी ए ने, हे बड़ी ए है, लाम बड़ी ए ले, तोई बड़ी ए ते। सब्जियों के नाम बताएं। यहाँ आपको बहुत सी सब्जियों की तस्वीर नज़र आ रही हैं, आपने इनके नाम को मुकम्मल लिखना है। गाजर, टमाटर, मूली, गोभी, भिंडी, पालक, आलू, मिर्च, प्याज, बैंगन, शलजम, मटर। फलों के नाम बताएं। यहाँ भी आपने जिस तरह सब्जियों के नाम बताएं, यहाँ भी आपने इसी तरह फलों के नाम बताने और लिखने हैं। तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, आपने इसी तरह नाम लिखने हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तरबूज, नारियल, अंगूर, आम, खरबूजा, आड़ू, अनार, अमरूद, नाशपाती, सेब, केला, माल्टा। आपने इन्हें बहुत ही खुशखत अंदाज में लिखना है। अगला सबक है इसम। इसम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कह सकते हैं। मसलन आप अपने इर्द गिर्द अपने कमरे में नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कुर्सी, मेज़, पलंग, तस्वीर वगैरह। यहाँ पर लिखा है किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, मसलन मेज़, शेर, अहमद, दरख्त, टोपी वगैरह। नीचे कुछ अल्फाज लिखे हैं, इनमें इसम चुनकर खाली जगह में लिखें। यहाँ पर आपको दायरा में नज़र भी आ रहे हैं वो अल्फाज जिन्हें इसम कहा जाता है। चिड़िया लिखें, जूता, खाती, बिल्ली, लिखा, लाहौर, कहो, साजिद। इनमें जो इसम है मैं उन्हें भी दोहरा देती हूँ, चिड़िया, जूता, बिल्ली, लाहौर, साजिद। आगे लिखा भी हुआ नज़र आ रहा है। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए जुमलों में से इसम के गिर्द दायरा बनाएं। नंबर 1, बच्चे ने साबुन से हाथ धोए। यहाँ पर बच्चे, साबुन, हाथ इसम है। नंबर 2, बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली दूध इसम है। नंबर 3, अली ने पेंसिल से तस्वीर बनाई, अली पेंसिल तस्वीर इसम है। नंबर 4, क्रिकेट बहुत अच्छा खेल है, क्रिकेट इसम है। नंबर 5, कमरे की खिड़की खुली है, यहाँ कमरे खिड़की भी इसम है।
आगे बढ़ते हैं। फेल, फेल का मतलब है काम। मसलन अली भागा में भागा फेल है। तो बच्चों किसी भी काम को इसम कहते हैं, जैसे खाना पीना सोना जागना चलना, इन सब कामों को फेल कहते हैं। नीचे कुछ अल्फाज हैं, इनमें से फेल चुनकर खाली जगह में लिखें। दौड़ा बाग सोया लड़की लिखा कलम सीढ़ी जागा जाओ खेला ढोल पढ़ा, इनमें से हमने अब फेल को अलग करना है। दौड़ा सोया लिखा जागा जाओ खेला पढ़ा, ये तमाम अल्फाज फेल हैं और आगे लिखा भी हुआ है। नीचे दिए जुमलों को देखें, फेल के गिर्द दायरा बनाएं। नंबर एक, सारा रोज स्कूल जाती है। यहाँ सारा क्या काम कर रही है? जी हाँ जाती है, तो यहाँ पर जाती फेल है। नंबर दो, अहमद ने किताब पढ़ी। यहाँ पढ़ी फेल है। जी हाँ ये सबक भी बहुत आसान है। नंबर तीन, बिल्ली दौड़ी। दौड़ी फेल है। नंबर चार, तोता बोला। बोला फेल है। नंबर पाँच, अम्मी ने सवाल पूछा। पूछा फेल है। आगे बढ़ते हैं। नून और